अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका होस्ट शराज, शराज ब्लॉग्स टिप्स एंड ट्रैवल से। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से। आज मैं बात करने वाला हूँ दुबई के वीज़ा के बारे में। दुबई का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसकी फ़ीस कितनी है और कौन सी टिकट्स आप ख़रीदें तो चीप एयरलाइन यानी कि जो होगी आपको दुबई से सॉरी लाहौर से दुबई या पाकिस्तान से दुबई के लिए फ़्लाइट रहेगी, आप कौन सी एयरलाइन बुक कर सकते हैं। दुबई का वीज़ा 30 दिन का भी आता है, 90 दिन का भी आता है। और वीज़ा फीस में आज जो आपको कन्वर्ट करूँगा, बताऊँगा दिरहम्स में, ताकि हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी, हमारे बहुत सारे एशियंस, इंडियंस और नेपाली वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं अपनी अपनी कंट्रियों से, तो आपको दिरहम में बताएं तो फिर आप इजीली उसको दिरहम को ईजी कन्वर्ट कर सकते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में या अपनी इंडियन करेंसी में या अपनी नेपाल की करेंसी में या बांग्लादेश की करेंसी में। तो मैं चले, जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें, और ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको इजीली मिलती रहे, ठीक है। और चले अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं बताऊंगा जो 30 दिन का वीज़ा है वो पाकिस्तानी तकरीबन 400 पाकिस्तानी 8,000 का या 8,500 का कुछ पड़ता है वीज़ा पाकिस्तानी रुपीज़ में। दिरहम में अगर कन्वर्ट करते हैं, दिरहम से पाकिस्तानी में कन्वर्ट करते हैं तो वो 400 दिरहम बनते हैं, तो वो कुछ 8,500 कुछ बनते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह अब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, वो 3 महीने का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो 800 दिरहम का वीज़ा मिलता है आपको, तो जो पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन को 35,000 के आसपास, या करंसी का ऊपर नीचे होता रहता है, आपको करंसी बढ़ती रहती, कभी दिरहम 42 का, कभी 42 का, कभी 43 का या 45 का भी हो जाता है, तो वो डिपेंड करता है करेंसी के ऊपर, आप ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो चूँकि अभी विज़र्ड वीज़े खुल के हुए हैं, पहले लॉकडाउन चल रहा था दुबई के अंदर, अब इन्होंने लॉकडाउन ख़त्म कर दिया है और प्रॉपर फ्लाइट्स भी ऑन हो गई हैं, विज़र्ड वीज़ा भी ओपन कर दिए हैं, वर्क परमिट वालों को भी अलाउ कर दिया उन्होंने। तो यहाँ पे बहुत सारी लाहौर में आपको ट्रैवल एजेंसियाँ मिलती हैं, या अपनी सिटीज़ में देखें आसपास में आपको बहुत सारी ट्रैवल एजेंसियाँ मिलती हैं, आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी में जाएँ, जाके अपने डॉक्यूमेंट्स लें, वो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं तो वो आपका वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, विद इन 1 वीक के अंदर आपको रिस्पॉन्स आ जाता है, एक पेपर वीज़ा की तरह एक आपको पेपर आ जाता है। टिकट बुक करें, सस्ती जो एयरलाइन पड़ती है वो टिकट बुक करें और आपको इजीली मूव कर दें। जाने से पहले आपको 72 आवर्स तकरीबन पहले आपको वो टेस्ट करवाना पड़ता है, PCR टेस्ट, COVID-19 का वो टेस्ट करवा के लाजमी जाइएगा, क्योंकि आपको एंट्री ही मिलेगी यहाँ से, नहीं तो यहाँ एयरपोर्ट में भी आपको पूछेंगे इसके बारे में, वो आपके पास टेस्ट होगा, आप वहाँ अंदर जाएँ दुबई में आपको एंट्री मिल जाएगी, वहाँ पर भी आपका टेस्ट होगा, फिर वो 14 दिन का क्वारंटाइन होगा, आप अपने घर में स्टे करें, जहाँ आपका स्टे होगा वहाँ पर आप रहिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप अपना जो भी काम करना चाहते हैं आप अपना काम कर सकते हैं। तो जो मेरे दोस्त और भाई प्लान कर रहे हैं तो लिहाजा वो ऐसे ही करें, अपनी को ट्रैवल एजेंसी वगैरह से बुक कर लें। और दूसरी बात ये है कि किसी को वीज़ा के बारे में कोई और भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर हो वो मुझे व्हाट्सअप करें, और व्हाट्सअप करें तो मैं आपको डिटेल भेजूँगा।